डोर हैंडल ठीक है, ट्रैड लॉक था भाई। सो यार मैं उतरूँगा कैसे, ऐसे उतरेंगे अब हम, इसको डाउन करेंगे और ये खोलेंगे, ट्रैड लॉक हटा देंगे। हाँ ये कर दिया मैंने बंद फिर से। कुर्सी की बात करूँ तो हाफ इसमें लेदर आई और हाफ इसमें हमें फैब्रिक देखने को मिल जाता, तो भाई पसीने की प्रॉब्लम भी गायब। आई हवा, ये हवा आई भाई ठंडी ठंडी मस्त। आगे भी मेरी हाइट का बंदा चला रहा है 6 फीट का, पीछे भी मेरी हाइट का बंदा बैठा है 6 फीट का, और मैं पीछे भी मैं ही बैठा हूँ यार 6 फीट का। ऐसे यार हो सकता है 6 फीट के बंदे यार वैसे कम है आजकल, मैं इस तरह बैठता हूँ फिर आएगा सही। हाँ तो ये देखो अब आया ना, बड़ी रोड ट्रिप पे 4 बंदे हैं, इसको बंद कर दो, मज़े ही मज़े भाई। अब तो चारों का सामान काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। ये मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगता है मारुति का इंजन, जैसे आपको ये इन चीज़ों इन तीनों में आपको फ्लो नहीं चाहिए, शट कर दो हैं तो इसमें ना आपका ज़्यादा हवा आएगा, फिर ये काफ़ी अच्छी है, मतलब फिर आप एक पॉइंट पे ही ज़्यादा हवा ले सकते हो, आपके फ़ैन पे लोड कम पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आप सबके सामने खड़ी है मारुति की XL6, ये रहने वाला भाई XL6 का बेस वेरिएंट जेटा CNG में। आज मैं आप सबको है ना इसका पूरा वॉक अराउंड वीडियो देने वाला हूँ, एक्सटीरियर से भी बताऊँगा आपको क्या क्या हमें इसमें मिल जाता है, इंटीरियर से भी बताऊँगा आपको कैसी कुछ हमें देखने को मिल जाती है। तो भाई XL6 है, 6 का मतलब भाई 6 सीटर गाड़ी। अगर आपको इसमें 7 सीटर चाहिए तो आप इसकी Ertiga की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी प्रीमियम गाड़ी चाहिए और आपको चाहिए 6 सीटर गाड़ी तो आप जा सकते हो XL6 की तरफ। इसमें भाई हमें पूरा लग्जूरियस फील आने वाला है, इंटीरियर में भी और बाहर से भी ना सारे अच्छे अच्छे फीचर इसमें दिए गए हैं। तो स्टार्ट करो भाई चाबी से, तो भाई ऐसे कुछ हमें इसमें चाबी देखने को मिल जाती है। कीलेस एंट्री आपको गाड़ी में मिलेगी, लॉक अनलॉक आप इसी से कर सकते हो। तो अब मैंने आपको चाबी दिखा दी, अब आपको दिखा दो भाई फ्रंट लुक। फ्रंट लुक आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है XL6 के बेस वेरियंट जेटा का। हेडलैम्प सेटअप की बात करूँ तो इसमें हमें फुली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। ये है भाई रिफ्लेक्टर बेस है, लो बीम के लिए ये है, हाई बीम के लिए ये है। DRL आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इंडिकेटर आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेगा। नीचे आपको इसमें फॉग लैंप भी जरूर से देखने को मिल जाता है, ये भी LED में देखने को मिलता है आपको। अगर ग्रिल की बात करो तो ऐसे कुछ आपको ग्रिल देखने को मिलते हैं, नॉर्मल ग्रिल है भाई ये, आपको है ना कोई भी पियानो फिनिश का यूज़ देखने को नहीं मिलता है। क्रोम की सराउंडिंग है, बड़ा सा सुजुकी का लोगो। नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी दी गई है। तो ये था भाई फ्रंट से, आपको अब मैं दिखाता हूँ इसकी साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल में है ना इसमें हमें देखने को मिल जाता है, बेस वेरिएंट है फिर भी हमें मिल जाते हैं इसमें अलॉय व्हील। तो भाई इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में इसमें डिस्क है, पीछे इसमें ड्रम देखने को मिल जाता है हमें। और इसके अगर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 195/60 R16 का आपको इसमें टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। ये भाई अपनी MPV रहने वाली है, मल्टीपर्पज़ व्हीकल, तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है ये सारी स्कर्टिंग देखने को मिल जाती है, साइड स्कर्टिंग। नीचे भी इसमें जरूर से है ना सिल्वर कलर की ये स्कर्टिंग देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी में जैसे कि ग्रैंड विटारा है तो इसमें हमें ब्लैक कलर की देखने को मिलती है, लेकिन इसमें सिल्वर दी गई है, बेस वेरिएंट है फिर भी। जो हमारे जो अपने ORVM है वो हमें इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। आप इसको इलेक्ट्रिकली आप फोल्ड कर सकते हो, और आपको एडजस्ट करना है तो भी आप इलेक्ट्रिकली इसको कर सकते हो। जो अपने डोर हैंडल भाई उसके सराउंडिंग में आपको क्रोम देखने को मिल जाता है, और रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे भी दिया गया है। ऊपर अगर बात करूँ तो इसमें हमें B और C पिलर दोनों ब्लैकआउट देखने को मिल जाते हैं, ए हमें नॉर्मल देखने को मिलता है। ऊपर हमारी जो रूफ रेल है वो हमें फंक्शनल रूफ रेल देखने को मिलती है। इस पर आप है ना थोड़ा बहुत लोड भी कैरी कर सकते हो, इस पर 50 किलो के आसपास आप रख सकते हो इसके सारे। तो ये हमें देखने को मिल जाता है। जो अपनी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसमें भाई हमें पेट्रोल भी देखने को मिलती है, और CNG के साथ भी है ये, तो आप यहीं से आप इसको CNG भी डलवाओगे, पेट्रोल भी आप यहीं से डलवाने वाले हो। तो साइड से मैंने आपको पूरी गाड़ी ओवरऑल दिखा दी, ऊपर एक शार्क फिन रह गया तो वो भी हमें देखने को मिल जाता है इसमें। पीछे अगर टेल लैम्प की बात करें तो भाई ये मेरे को काफ़ी अच्छी मतलब मेरी पसंद है भाई ये। अगर आप Ertiga आपको पसंद नहीं आती ना तो आप XL6 के लिए जाओ, 6 सीटर है। और जो जो लुक्स देखने को मिलते हैं ना आपको, जैसे टेल लैम्प देखो ये पूरी ब्लैक आउट है, लेकिन फिर ये जो ये जलती है ना काफ़ी अच्छी लगती है। ये हमारा हो गया इंडिकेटर के लिए, आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये इंडिकेटर हो गया। ये हो गया अपना ब्रेक लाइट, जो ये आपको 3 पॉइंट दिख रही है ब्रेक लाइट है। ये हो गया अपना रिवर्स लैंप। और अगर पीछे आप बात करूँ तो ऊपर हमें हाई माउंट स्टॉप लैंप, आप इसमें 4 LED देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो सकता था लेकिन नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई भी स्पॉइलर इसमें नहीं है। और ये अपना वॉशर यूनिट के लिए पानी यहाँ से आएगा, और वाइपर है इसमें यहाँ पे, और डिफोगर दिया गया बेस यूनिट में भी, CNG का लोगो यहाँ पे है। जो अपनी जो ये पीछे वाले ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्रोम की ट्रीटमेंट दी गई है, सुजुकी का लोगो है, ये भी पियानो फिनिश में आपको देखने को मिलेगी।
और अगर नीचे बात करूँ तो यहाँ पे इसकी नंबर प्लेट की लाइट है वो हेलोजन में रहने वाली है। पीछे इसमें जरूर से चार पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, एक दो और उस उधर दो। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है, नीचे भी इसमें सिल्वर कलर की स्किड प्लेट जरूर से दी गई है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है इसका सारा, बाहर से मैंने आपको सारी दिखा दी गाड़ी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है बूट स्पेस, तो अनलॉक करते गाड़ी। ये आप देख पा रहे हो पूरी अच्छी ओपनिंग है इसकी, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो भी आपका सर नहीं लगने वाला है इसमें। तो सीएनजी गाड़ी है, उसके बाद भी आपको इसमें ना काफ़ी अच्छी कवरिंग दे रखी है सिलेंडर की, आप देख पा रहे हो। इसमें हमें 60 लीटर का सिलेंडर देखने को मिल जाता है, ये आपकी लगभग 8 से 9 किलो सीएनजी इसमें आराम से आ जाएगी। जो ऊपर जो आपको स्पेस दिख रहा है, तो भाई स्पेस की बात करें तो इसमें हमें 210 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपके ना बड़े वाले दो बैग आ जाते हैं, और आपको अगर पीछे वाले पीछे में कोई भी नहीं बिठाना है तो आप इसको 50-50 इसमें दोनों सीट देखने को मिलती है। आप इसको फोल्ड कर दोगे तो बल्ले बल्ले भाई, कितना ही धर लो। और जैसे पांच बैठ गए, एक दो तीन चार पांच यहाँ बैठ गए, एक यहाँ पे आपका स्पेस हो गया सामान रखने के लिए। चार चलने हैं बड़ी रोड ट्रिप पे, चार बंदे हैं, इसको बंद कर दो, मज़े ही मज़े भाई। अब तो चारों का सामान काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। तो एक बार फिर इसको ना खड़ा कर देते, खड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे ये रस्सी दे रखी है, ये खड़ी होगी। इसको है ना आप एडजस्ट भी कर सकते, जैसे अभी मैंने इतने पे कर दिया, थोड़ा और रिक्लाइन कर दूंगा, तो ऐसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो अभी है ना इसको मैं फुल कर देता हूँ ताकि आपको अंदर रहना अच्छे से बता सकूँ। तो बंद करते भाई इसको। इसका जो स्पेयर टायर है भाई वो नीचे लगा रखा है इन्होंने, बिल्कुल इसके नीचे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो बाहर से मैंने आपको दिखा दिया, आप है ना अंदर से दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ इसका ड्राइवर साइड डोर हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसमें भाई ये टेक्सचर दे रखा है ना भाई, मेरे को अच्छा लगता है भाई बहुत, सच में भाई जो ये टेक्सचर दे रखा है ना काफ़ी अच्छा लगता है। और ये पूरा टेक्सचर है ना इसको इतना प्रीमियम बना देता है भाई, पूरे इंटीरियर में ये कैरी फॉरवर्ड कर रखा है। जो हमारे क्रोम के डोर हैंडल इसमें भी आ जाते हैं, बेस वेरिएंट है फिर भी। इसमें हमें ब्लैक प्लस ये सिल्वर प्लस जो ये टेक्सचर, तीन टोन का हमें इसमें डोर देखने को मिलता है। यही चीज़ अपनी डैशबोर्ड पर भी कैरी फॉरवर्ड होती है, पीछे वाले डोर पर भी यही तीनों चीज़ हमें देखने को मिलती है। सीएनजी है भाई, तो ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया। तो आप एक बार पुश स्टार्ट में दबा देता हूँ, फोल्ड करना है आपको शीशा। लो जी प्रीमियम गाड़ी, तो भाई प्रीमियम फीचर भी आपको जरूर से दे रही है नेक्सा। आपको एडजस्ट करना है यही से कर लो जी। वेट फॉर अ गुड ब्राइट मॉर्निंग नेक्स्ट डे। ये चेंजेस स्टूपिड साउंड करते हैं, एक बार म्यूट कर दो। चारों पावर विंडोज आपको देखने को मिलेगी, ड्राइवर साइड ऑटो आपको देखने को मिलते हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन, यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो डोर को। और ये हो गया अपना चाइल्ड लॉक, और कोई और यहाँ से आप कर दोगे इसको पकड़ के बंद डोर को। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक्सेल 6 जेट के इंटीरियर के अंदर, आप देख पा रहे हो ऐसा कुछ आपको प्रीमियम इंटीरियर इसमें देखने को मिल जाता है। चाबी मैंने आपको दिखा दी थी, ऐसी चाबी है नॉर्मल, तो इसको रखने का तो वही रखने के लिए इसमें कुछ ऐसी जैसे यहाँ पर जगह नहीं दी गई है, तो आप इसको यहाँ पर रख सकते हो कप होल्डर में, इन तो आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको इसका स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। तो पहला इंप्रेशन मेरा ये है कि भाई इसकी सीटिंग है ना थोड़ी ऊंची है, जैसे ये स्टेयरिंग व्हील है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ भाई मेरे हाथ में है गाड़ी, कहीं नहीं जाएगी गाड़ी, वो वाला मेरे को थोड़ा फील आ रहा है। जैसे अब मैं थोड़ा इसको आगे करूँ ना सीट को, अभी भी मेरे को ना काफ़ी अच्छी इसमें सीटिंग मिल रही है। हाँ जी, अगर स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की मैं बात ही कर लूँ, क्योंकि मेरे को नीचे नीचे लग रहा है, जैसे अभी तो देखो और नीचे हो गया टिल्ट, टेलीस्कोपी है भाई ये है मज़ा, अब चलेगी ना गाड़ी मस्त। तो एक बार मैं थोड़ी सी लाइट ऑन कर लेता हूँ, कमी नहीं लगनी चाहिए भाई आपको वीडियो में 1% भी। तो अब मैं आपको है ना इसके MID दिखा देता हूँ। नॉर्मल आपको इसमें एनालॉग मीटर देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कभी भी ये चीज़ फील नहीं होगी कि भाई अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि लगभग लोगों को है ना डिजिटल से ज़्यादा अच्छा एनालॉग ही लगता है। तो इसमें आपको है ना सारी चीज़ देखने को मिल जाती है, पेट्रोल है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मोशन, फ्रंट, टॉर्क, पावर, एक्सल ब्रेक, CNG पेट्रोल का रेशियो आपको देखना मिल जाएगा कि कितनी आपने पेट्रोल में चलाई, कितनी आपने CNG में चलाई, CNG कितनी बची हुई है, अभी इसका हाफ टैंक है तो ये आप बता रही है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है आपका फ्यूल का आ जाता है CNG का, और यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे आ जाता है आपका CNG का, ये आपका आ जाता है पेट्रोल का, ठीक है। जो RPM है इसका 8000 तक दे रखा मार्किंग, और यहाँ पर स्पीड 220 तक दे रखी है, और यहाँ पे टेम्परेचर, क्लॉक वगैरह, ट्रिप ए ट्रिप बी सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन ये है ना खुट्टे दे रखे हैं पुराने ज़माने वाली चीज़, ये थोड़ा सुधार हो सकता है, इनकी जगह कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकती है मारुति अगर करना चाहे तो, लेकिन नहीं कर रही है। सो कोई नहीं भाई,
काम तो चलाना नहीं पड़ेगा। जो अपना स्टेयरिंग व्हील है वो भाई हमें डी कट दिया गया है, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो ये कंट्रोल है ये मीडिया के लिए दिए गए हैं, जो ये कंट्रोल है अपने क्रूज कंट्रोल के लिए दिए गए। हाँ भाई, भी ऐसे क्रूज कंट्रोल है भाई, लंबी लंबी आप इस पर ट्रिप मारोगे तो भाई क्रूज कंट्रोल तो चाहिए आपको, तो दिया है मारुति ने। जो ये तीन कंट्रोल है भाई, ये टेलीफोनिक कंट्रोल है, वॉइस असिस्ट, कॉल उठाना, कॉल कट करना, ये आप याद से कर सकते हो। लेफ्ट साइड के आपको ये टॉगल स्विच दिए गए हैं वाइपर के लिए, राइट साइड के आपकी हेडलैम्प के लिए। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना आप याद से कर दोगे, पेट्रोल और सीएनजी में स्विच करना आप याद से कर दोगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन ये है, क्रोम की सराउंडिंग के साथ। हेडलैम्प लेवलर भी इस पे जरूर से दिया गया है। डैशबोर्ड की बात करो तो भाई एक दो तीन, तीन टोन है और ये भाई काफ़ी प्रीमियम लगता है भाई मेरे को, मार्बल टेक्सचर, मज़ा आ जाता है देख के। जो एसी वेंट की सराउंडिंग है आपको ऐसे को देखने को मिल जाती है, ये भाई शट कर सकते हो आप। ये मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगता है मारुति का, जैसे आपको ये इन चीज़ों इन तीनों में आपको फ्लो नहीं चाहिए, शट कर दो हैं तो इसमें ना आपका ज़्यादा हवा आएगा फिर, ये काफ़ी अच्छी है। मतलब फिर आप एक पॉइंट पे ही ज़्यादा हवा ले सकते हो, आपके फ़ैन पे लोड कम पड़ेगा। ये एरिया मैंने आपको दिखा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन आ जाती है भाई 7 इंच की, आपको इसकी स्क्रीन देखने को मिल जाती है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा। कनेक्ट करना है तो आपको लगाने पड़ेगा यहाँ USB में केबल और आपके फ़ोन में लगेगा एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आपका चलेगा वायर के साथ। इसका स्पीकर भाई काफ़ी अच्छा है, मैंने अभी सुना थोड़ा सा। दो ट्विटर हैं इसमें, 4 स्पीकर आपको इसमें जरूर से देखने को मिल जाते हैं। ऑटो आपको AC देखने को मिल जाता है जो कि भाई काफ़ी प्रीमियम इसको बना देता है। और भाई ये यार जैसे मीडिया ही कंट्रोल होते हैं ना, वैसे इसके AC कंट्रोल दे रखे भाई, वो अच्छी चीज़ बना रखी है। ऑफ कर देते हैं भाई अभी के लिए, और काफ़ी प्रीमियम लगेगा जब आप इसको ना एक बार यूज़ करके देखोगे ना। एक बार लो भाई इसकी टेस्ट ड्राइव। और अगर और बात करो तो भाई नीचे इसमें हमें 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिल जाता है, USB का मैंने बताया था। ये कुछ स्पेस है, टेक्सचर है, आप मोबाइल रख सकते हो, वो ना फिसलेगा नहीं। दो कप होल्डर हैं उनके साथ, जैसे आपने यहाँ पे लग दी एक छोटी बोतल कोल्ड ड्रिंक की 250 ml वाली, आपको चाहिए भाई वो ठंडी नहीं रहे तो आप ये ऑन कर दोगे, ठीक है। यहाँ से आपकी आएगी ठंडी ठंडी AC की हवा, तो ये ठंडा रखेगी। 5 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है मारुति का, बढ़िया, कोई इशू नहीं आने वाला। जो और ये हो जाता भाई आपका एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर भी कुछ स्पेस है, आप कुछ ना कुछ इसमें रख ही लोगे। मैनुअल आपको इसमें हैंडब्रेक देखने को मिल जाता है। और सीट कंफर्ट की बात करो तो भाई काफ़ी कंफर्टेबल इसमें सीट देखने को मिल जाती है। पोस्टर की बात करो तो हाफ इसमें लेदराइट और हाफ इसमें हमें फैब्रिक देखने को मिल जाता है, तो भाई पसीने की प्रॉब्लम भी गायब। और देखो एक्सटेंडेड इसमें हमें थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी आपकी ट्रिप रहने वाली है। ग्लव बॉक्स की बात करो तो भाई नॉर्मल आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। अगर ऊपर सनवाइजर की बात करो तो टिकट होल्डर है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है। ये लाइट आपकी हेलोजन में, माइक यहाँ पे जरूर से दिया गया है। IRVM आपको मैनुअल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वैनिटी मिरर जरूर से दिया गया है। और 1, 2, 3, 4, 5 इसमें आपको ग्रैब हैंडल जरूर से दिए गए हैं। 6 बंदे हैं, 5 के लिए क्यों दिए हैं, क्योंकि ड्राइवर को जरूरत नहीं पड़ती। जो आपकी सीट बेल्ट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि भैया जैसे कोई छोटी हाइट का बंदा है तो अगर वो ऊपर करेगा तो सही रहेगा, क्योंकि नीचे करेगा तो उसकी ना गर्दन कट जाएगी भाई इसी सीट बेल्ट से। काफ़ी अच्छी बात है। ये आप देख पा रहे हो ये क्या है भाई, ये है हवा फेंकने की सिस्टम, यहाँ से हवा लेगा ठंडा। और ये इसके अंदर है ना फैन है, तो वो उस तरफ अंदर हवा को ठंडी ठंडी फेंक देगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, पीछे चल के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको है ना फ्रंट रो साइल दिखा दी है इसकी, एक बार अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट पहले ही कर ली थी, तो मैं आपको ना पीछे चल के दिखाता हूँ, ठीक है। सो पीछे चलते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है भाई, गाड़ी काफ़ी बड़ी है, एक बार फिर से दबाना पड़ेगा। सॉरी, अनलॉक कर दिया मैंने। ओह, पीछे वाला डोर भाई देखो कितना बड़ा है, और ये विंडो एरिया देखो आप। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई ये पावर विंडो संभाल कैसे रखा पावर विंडो ने, ये इतना बड़ा डोर। एक बार ऑन ही कर देता हूँ मैं इग्निशन इसका, ठीक है इग्निशन ऑन हो गया। ये देखो इतना बड़ा डोर, इतनी बड़ी विंडो देखो। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई संभाल कैसे रखा इतना लोड। तो भाई ये आ गया मैं सीट के अंदर, ओहो मज़ा आ गया। एडजस्ट कर सकते हो पीछे वाली सीट, ठीक है। सबसे पहले आपको डोर दिखा देता हूँ, क्रोम की आपको इसमें देखने को मिल जाती है ये डोर हैंडल, ठीक है। चैड लॉक था भाई, सो यार मैं उतरूँगा कैसे, ऐसे उतरेंगे अब हम इसको डाउन करेंगे और ये खोलेंगे, एक बार चैड लॉक हटा देंगे। हाँ ये कर दिया मैंने बंद फिर से। तो भाई अब बताते हैं आपको, पीछे आपको स्पीकर ग्रिल है, बोतल आप इजीली रख सकते हो इसमें भाई, 2 लीटर तक की भी आ जाएगी बड़ी।
सीट के पीछे आपको मैजिक होल्डर जरूर से दिया गया है, और ये आपकी ग्रैब हैंडल हो गई। ये देखो आप, ये आप देख पा रहे हो, यहीं से आप पीछे तक की हवा इसमें फेंक सकते हो। देखो ये दो कर दिए मैंने पीछे, और ये ऑन कर दिया, देखो आई हवा, ये हवा आई भाई ठंडी ठंडी मस्त। पीछे यहाँ पे कैबिन लाइट भी दी गई है, हेलोजन में है लेकिन कोई नहीं दी है। अगर सीट की बात करूँ तो भाई ये आपको ऐसे लगेगी जैसे आप है ना ट्रैवलर में बैठे हो, क्योंकि भाई उनकी सीट है ना इतनी कंफर्टेबल होती है, उस हिसाब से इसकी भी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। अलग अलग भाई इसमें दे रखे अपने हैंड रेस्ट, काफ़ी अच्छी चीज़ है, और मतलब कोई भी लड़ाई लड़ू नहीं होगी भाई तू मेरा हैंड रेस्ट दे दे, सबका अलग अलग है। यहाँ पर दिया गया है एक 12 फुट का सॉकेट, और ये आप एक चीज़ देख पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे आप लगाते हैं ना चाहते तो उसमें ना दो स्पेस आते हैं, दो आप लगा सकते हो मोबाइल, तो एक अलग स्पेस है आप ठीक है, और नीचे एक अलग स्पेस है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, दो आप रख सकते हो फ़ोन। थोड़ी है ना सीट देखो मैंने बिल्कुल अभी पीछे कर दी, क्या भाई पीछे कर दी मैंने बिल्कुल पीछे कर दी, तो आप देखो आप स्पेस काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर कोई भी हम्प नहीं है, आपको है ना पीछे जाना है ना तो आप है ना यहीं से जाओगे ईजिली जा सके आप बैठ सकते हो। तो एक बार मैं ना इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ सीट को, हाँ और रिक्लाइन भी होता है इसका एडजस्ट, हाँ रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हो भाई, कहो यार मज़ा आ गया। टंबल भी है, आप इसको टंबल डाउन भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से जाओगे तो मैं तो यहीं से जाऊँगा भाई। अब देखते हैं आपको थोड़ा सा और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ना भाई, तभी मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। हाँ तो ये मेरी भाई परफेक्ट पोजिशन है, 1 2 3 4 5 6 बंदे, तो भाई 6 के 6 इसमें आपको हेड रेस्ट भी देखने को मिलेंगे एडजस्ट हो। अब पीछे चलते हैं भाई, तो भाई 6 फीट हाइट है मेरी, तो उस हिसाब से भाई मेरा अभी तक सर नहीं लगा, ऊपर नहीं लगा, अभी भी नहीं लगा सर। ये देखिए भाई साहब, अब आपको लग रहा होगा भाई लेग रूम नहीं है, तो भाई आप एक चीज़ देखो, आगे भी मेरी हाइट का बंदा चला रहा है 6 फीट का, पीछे भी मेरी हाइट का बंदा बैठा है 6 फीट का, और मैं पीछे भी मैं ही बैठा हूँ यार 6 फीट का। ऐसे यार हो सकता है 6 फीट के बंदे यार वैसे कम है आजकल, मैं इस तरह बैठता हूँ फिर आएगा सही। हाँ तो ये देखो अब आया ना, थाई सपोर्ट भी है भाई पूरा मस्त, हेड रेस्ट भी है पूरा मस्त, और हेड रूम भी आपको पूरा देखने को मिल जाता है, बड़ी सी आपको विंडो एरिया देखने को मिल जाती है, हवा चाहिए तो आपको वेंट भी देखने को मिल जाती है, वाटर होल्डर भी आपको देखने को मिल जाता है दोनों के लिए अलग अलग। यहाँ पर भी आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया, अभी मान के भाई मारुति चीज़ तो भाई बढ़िया बना रखी है, और ये आपको सीट बेल्ट के रिमाइंडर इसमें ज़रूर से हैं, सभी को सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी भाई, जो बंदा बैठेगा उसको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। और अगर आपको दिखाऊं तो इसमें हमें ग्रैब हैंडल पीछे भी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे है मैगजीन होल्डर नहीं इधर नहीं है, ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन आप देख पा रहे हो आपको ना कितना बड़ा आपको रूम देखने को मिलता है पूरी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी है। और अब मैं आपको ना लास्ट में इसका प्राइस बताऊँ ना, तो भाई आप है ना मतलब मज़े में है ना सब्सक्राइब करके जाओगे मेरा चैनल, तो ये देखते हैं। हाँ आ गया भाई मैं, आप देख सकते हो भाई 6 फीट का बंदे गाड़ी के अंदर आगे पीछे घूम सकता है, स्पेस तो है फिर गाड़ी में। ये खोला मैंने दरवाज़ा, डिग्गी मैंने आपको दिखाई दी थी, अब मैं आपको है ना इसका इंजन भी दिखाता हूँ कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ से लीवर है इसका, कहाँ गया, ओह ये भी देखो भाई कुछ स्पेस था मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे आप कोइन वगैरह रखते हो, सही है भाई, लेकिन अब मैं बूट कैसे वो कैसे खोलूँ इसका बोनट, तो भाई बोनट खोलने के लिए यहाँ से पेट्रोल खुलेगा, ये रहा खुल गया भाई खुल गया, तो भाई इसमें भी वही रबर वाला सीन कर रखा ताकि नॉइज़ कम से कम आए बाहर। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये इंसुलेशन दे रखी है, ये भाई इंजन मारुति का 1500cc का 4 सिलेंडर इंजन जो आपको CNG में देगा, 86 BHP की पावर, 121 Nm का टोर, ABS EBD आपको सारी चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाती है, सेफ्टी फीचर्स 2 एयरबैग आपको इसमें जरूर से दिए गए हैं। तो भाई ये थी मारुति की X6, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। तो दोस्तों अगर प्राइस बताऊँ इस गाड़ी का जेटा बेस वेरियंट का, तो आपको ये 12,56,000 रुपये की भाई एक्सरूम मिल जाती है भाई, सोच सकते हो भाई 6 सीटर गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी आपको 12,56,000 की एक्सरूम देखने को मिल जाती है, जिसमें फुल्ली लोडेड आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये चीज़ है भाई। बाकी अभी मैं हूँ मारुति सुजुकी, नेक्सा में DD मोटर है ये, तो ये इसका कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप डिटेल ले सकते हो उनसे गाड़ी की, और आपको अगर टेस्ट ड्राइव चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर आगे ले सकते हो जरूर से। तो भाई ये थी गाड़ी, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर से कर सकते हो, लाइक करना हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।